तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद होगा आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप वन प्लस में 5G इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं 5G नेटवर्क इनेबल किया हूँ वन प्लस में। तो आप भी इसी तरह से वन प्लस में 5G नेटवर्क इनेबल करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना। और मैं यहाँ पर वन प्लस का फ़ोन यूज कर रहा हूँ, अभी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रोसेस करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के बाद अब आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है, अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर वर्जन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करना है। 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके वन प्लस में डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा, जो सिस्टम सेटिंग में होता है। यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में आने के बाद नीचे यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 5G यहाँ पर दिखा रहा है, मैंने इसे ऑन किया हूँ। तो आपके वन प्लस में 5G बंद होगा तो इसे आपको ऑन कर लेना है, 5G नेटवर्क को इनेबल कर लेना है। उसके बाद आपके वन प्लस में 5G नेटवर्क पकड़ने लगेगा इसको ऑन कर देंगे तो। तो इस तरह से आप वन प्लस में 5G नेटवर्क को इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप वन प्लस को फास्ट चार्ज करना चाहते हैं, चाहे वन प्लस के आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वन प्लस में रैम को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो मैं इन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाया है, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।